ये वर्ष 1770 का था, यानी कि 1857 की क्रांति से करीब 80 साल पहले बंगाल और बिहार के इलाके में अंग्रेजी साम्राज्य शोषण का नया अध्याय लिख रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी वहां के बाशिंदों की जमीनों और जंगलों पर कब्जा कर रही थी, लेकिन प्रतिकूल और भयावह हालत में रॉबिन हुड के नाम से मशहूर तिलका मांझी की एंट्री होती है। स्वभाव से बागी और अपनी मिट्टी को मां समझने वाले तिलका मांझी ग्राम प्रधान भी थे और वे किसी भी कीमत में अंग्रेजों के दमन को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। बंगाल बिहार में भीषण अकाल के बाद अंग्रेजों ने कर वसूलने की नई शर्तें थोप दी, जिसके बाद जबरा पहाड़िया यानी तिलका मांझी ने इस अन्याय के खिलाफ खुलेआम हल्ला बोल दिया। तिलका की अगुवाई में भागलपुर में अंग्रेजों का खजाना लूट लिया गया और दूसरे पड़ाव में रामगढ़ कैंटोनमेंट में पंजाब रेजिमेंट पर हमला कर दिया। बौखलाई कंपनी ने तिलका मांझी से निपटने के लिए ऑगस्टस क्लीवलैंड को कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू बनाकर भेजा, लेकिन तिलका के गुरेदा हमले में क्लीवलैंड को जान से हाथ धोना पड़ा। यह खबर राजमहल से निकलकर लंदन तक पहुंची और फिर तमाम प्रपंचों के बाद तिलका मांझी को 1784 में गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत इतनी बौखलाई थी कि उसने फांसी देने से पहले घोड़े से बांधकर तिलका मांझी को भागलपुर तक घसीटा और फिर सरेआम फांसी दे दी। मिट्टी के महानायक तिलका मांझी फिरंगी ताकतों से लड़ने के प्रतीक बन गए। बगावत के महानायक तिलका मांझी को हम करते हैं नमन।